when we are going to learn what is poetry. और पोएट्री को जानने से पहले मैं सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पोएट्री जो है, पोएट्री अलग अलग फिलोसफर्स की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, एंड सम डेफिनेशंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दे आर, विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि पोएट्री इज इंस्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. हमें ट्रैंक्विलिटी और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो से याद रखना है. ये डेफिनेशन किसने दी? वर्ड्सवर्थ ने. कहाँ पर दी? इन द प्रीफेस ऑफ preface of edition, second edition of Lyrical Ballads in 1800. This is very important and it has been given by Samuel Johnson. Poetry is the art of uniting pleasure with trust by calling imagination to help the reaction, to help the reason. यानी कि calling imagination भी होना चाहिए, लेकिन वो reason को help करना चाहिए. दो contrast बातें उन्होंने use की. P.B. Shelley ने बड़े खूबसूरत तरीके से कहा, poetry is expression of imagination. कॉलेज ने भी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि पोएट्री इज द एंटीथीसिस ऑफ साइंस हैविंग फॉर इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लेजर नॉट ट्रुथ. इसका मेन पर्पस किस पर? प्लेजर पे रहेगा, ना कि सच पर. और साइंस बताया एंटीथीसिस. बहुत फिलोसॉफिकल थे कौन? कॉलेज. नेक्स्ट डेफिनेशन जो है वो आती है किसकी? अर्नॉल्ड की. अर्नॉल्ड कहते हैं पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. कार्लाइल भी बहुत अच्छी बात कहते हैं, पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट. और इसके अलावा जो है, अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा अगर हम इसमें जो है जनरल डेफिनेशन क्या है, पोएट्री इज एन इमेजिनेशन, इमेजिनेटिव एंड इमोशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ. नेक्स्ट, ओरिजिन ऑफ पोएट्री कहां से है? पोएटा वर्ड से है, जो लेटिन का वर्ड है. और ये पोएटा का मतलब होता है क्या? ए पोइट. और ये जो है मेडिवल लेटिन में ये वर्ड पोएट्रिया बना, और पोएट्रिया से हमने इंग्लिश में ये ड्राइव किया, जिसको पोएट्री इन इंग्लिश है. और मिडिल इंग्लिश, लेट मिडिल इंग्लिश का ये वर्ड है. और राइट अ नोट ऑन, नो इट ऑन पोएट्री. या यू मस्ट रिवाइज दिस. हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री क्या है. पोएट्री के एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि पोएम के एलिमेंट्स क्या है. एक पोएम जो है दूसरी पोएम से अलग कैसे होती है, वो क्या चीज है जो उसे अलग करती है? एक पोएम को दूसरी पोएम से अलग करने वाले होते हैं उसके एलिमेंट्स, उसकी राइम, उसकी अनराइम, उसके स्पेसिफिक मीटर, जो किसी के अंदर हो भी सकता है, किसी के अंदर नहीं हो सकता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें जो है कि कौन कौन सी चीजें हैं जो एलिमेंट्स के तौर पर हो सकती हैं. ये स्टैंजा है, नंबर ऑफ लाइंस हो सकता है, राइमिंग वर्ड्स हो सकते हैं, राइमिंग स्कीम हो सकती है, पैटर्न हो सकता है, राइमिंग मीटर हो सकता है कि उसका मीटर क्या है, फुट और पोएटिक फुट हो सकते हैं, या सिलेबल हो सकते हैं. वर्ड्स के टुकड़ों को हम सिलेबल कहते हैं जिनके अंदर वाउल साउंड हो. एंड फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेचर, फिगर ऑफ स्पीच हो सकती है लिटरेचर, या लिटरेरी टर्म्स हो सकते हैं रिटोरिक एंड प्रोसोडी हो सकता है. एंड देन हमें सबसे पहले पढ़ना है स्टेंजा के बारे में कि स्टेंजा एंड नंबर ऑफ लाइंस इन सच स्टेंजा, कि इसमें कौन कौन कितने कितने लाइंस होती हैं, एक स्टेंजा दूसरे स्टेंजा से अलग कैसे होता है, एक स्टेंजा को हम कुछ और नाम से जानते हैं, दूसरे स्टेंजा को किसी और नाम से जानते हैं. यस, ये सारी चीजें डिसाइड करने वाला होता है नंबर ऑफ लाइंस इन अ स्टेंजा. स्टेंजा एक पैटर्न हमें एक पोएम में, एक स्टेंजा दूसरे स्टेंजा से अलग कैसे होता है. आपने कुछ लाइनें जो आपने इकट्ठी कर दी तो क्या बनेगा? स्टेंजा. अब दूसरी जो लाइन स्टेंजा शुरू होगा तो दोनों के बीच में नॉर्मल स्पेस से ज्यादा स्पेस दिया होता है और हम पहचान जाते हैं ये दो स्टेंजा के बीच में एक ज्यादा दूरी होती है, इसलिए हम पहचान जाते हैं कि ये लाइंस पहले स्टेंजा की दूसरी लाइन की ये होंगी. इसमें जो है पहले स्टेंजा की आखिरी लाइन और दूसरी स्टेंजा की जो पहली लाइन होती है, इनके बीच का जो गैप होता है वो यूजुअल से थोड़ा ज्यादा होता है. नंबर ऑफ लाइंस और उनका नाम क्या होगा, उनके एग्जांपल क्या क्या हैं, अभी हमने पढ़ेंगे. नंबर ऑफ लाइंस इन स्टेंजा, वन लाइन स्टेंजा को मोनोस्टिच कहते हैं, इसके एग्जांपल कम है, कम लिखा गया है. एंड दो लाइन स्टेंजा को कपलेट कहते हैं, इसके एग्जांपल हीरोइक कपलेट, स्प्लिट कपलेट, ओपन कपलेट, क्लोज कपलेट, चाइनीज कपलेट और कसीदा कपलेट फ्रॉम उर्दू. तीसरा, थ्री लाइन स्टेंजा, इसे टर्सेट कहते हैं, ट्रिपलेट, हाइकू, इनक्लोज टर्सेट, सिसिलियन टर्सेट एंड टर्सरिमा इसके पार्ट्स हैं. एंड लाइन स्टेंजा, फोर लाइन स्टेंजा को क्वाट्रेन कहते हैं. इट्स अ वेरी पॉपुलर स्टेंजा पैटर्न इन इंग्लिश लिटरेचर. एंड हेरोइक स्टेंजा, रुबाई, बैलेड स्टेंजा, एलिजाइक स्टेंजा, एनवेलप स्टेंजा एंड मेमोरियल स्टेंजा. नेक्स्ट पे हम देखें तो इसमें जो है क्या है, इसमें लाइंस, फाइव लाइन स्टेंजा को हम कहते हैं क्विंटेट कहते हैं, क्विंटेन कहते हैं, क्विंटेन कहते हैं, सिंक्वेन, इंग्लिश क्विंटेन, लैमरिक एंड स्पेनिश क्विंटेन, टेंथ का जो जैपनीज फॉर्म है, एंड एनवेलप क्विंटेन
एंड पेंटेस्टिच होगा, सिसिलियन कॉन्टेन होगा। सिक्स लाइनेंजा को सेस्टेट कहते हैं, सेसिना सिसिलिना और सेस्टेनस के नाम है। सेवन लाइनेंजा में सेप्टेट है और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है रॉयल रिमा यानी कि राइम रॉयल। बहुत बार पूछा गया है कि सेवन लाइन वाली पोएम को क्या कहते हैं, जैसे और आप ऑप्शन में हमेशा देखेंगे कि राइम और रॉयल रिमा या राइम रॉयल लिखा होगा। एंड देन एट लाइन स्टैंजा को ऑक्टेव या ऑक्टेव कहते हैं, या इसे ऑटेवा रिमा भी कहते हैं, राइम ऑक्टेव भी कहते हैं। एंड नाइन लाइन स्टैंजा नॉनेट होता है, बहुत कम लिखा गया है, ओनली स्पेंसर ने लिखा है, एडमंड स्पेंसर के नाम पर इसका नाम पड़ा है, स्पेंसरियन स्टैंजा, फेरी क्वीन इसका एग्जाम्पल है। टेन लाइन स्टैंजा में जो है डाइजियन होता है, जो फ्रेंच रूट से लिया गया है, डिक्स जिसको डिस प्रोनाउंस करते हैं, और यह है एन ओड ऑन द ग्रेशन अर्न इसका एग्जाम्पल है। और 14 लाइन को हम कहते हैं क्या, 14 लाइन वाले स्टैंजा को हम कहते हैं सॉनेट, दैट्स वेरी पॉपुलर। और सबसे पॉपुलर नाम पेट्रार्क का शेक्सपियर का है, मिल्टन ने भी लिखे हैं, स्पेंसर ने भी लिखे हैं और वर्ड्सवर्थ ने भी लिखे हैं। और पहला है टू फर्दर टाइप्स ऑफ स्टैंजा, आइसोमेरिक स्टैंजा एंड हेटरोमेरिक स्टैंजा। दोनों में क्या होता है, आइसोमेरिक का मतलब होता है कि यहाँ पर स्टैंजा की जो लाइन होगी, स्टैंजा की हर एक लाइन का जो लेंथ है वो इक्वल होगा, यूनिफॉर्म होगा। ईच लाइन ऑफ स्टैंजा हैज सेम पोएटिक मीटर, इसमें जो चार टुकड़े वाला, पांच वाला, यानी कि पेंटामीटर, हेक्सामीटर, कोई भी होगा लेकिन होगा एक जैसा। इट इज पॉपुलर, इट इज अ प्योरली रिदमिक, और ये जो है एंशियंट इंग्लिश में इसका बहुत पॉपुलर था ये। और दूसरा हेटरोमेटिक स्टैंजा है, इसमें जो है हर एक लाइन का लेंथ अलग होगा, हर एक लाइन की राइमिंग पैटर्न अलग होगा, मीटर अलग होगा, और ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा जो है वो फैशन में है।